मेरे को लगता है फाइनली जब यमराज आएंगे ना तो उनसे भी लड़ाई हुई होगी। तो मैंने मैंने अनाउंस मैंने मैंने अनाउंस करा मैं किताब लिख रहा हूँ। मैंने किताब अनाउंस कर दी और सिर्फ डाल दिया अमेजोन पे प्री बुक कर लो। अमेजोन वालों ने 26 दिसंबर की डेट डाल दी कुछ सोच के। अब मेरी कंपनी वालों की इतनी फट गई वो कोर्ट चले गए, केस वेस कर दी उन्होंने कि किताब आने से पहले किसी तरह किताब रुक जाए। वो तो रुकी नहीं। मैंने सोना कर दी 10 तारीख की, तो किताब 10 तारीख से अवेलेबल है। सॉरी मैं 4 दिन लेट आया हूं यहां पे, बट 10 दिन देयर कोई भी एशियन टाइप वर्ड यूज करा है। इट्स मेरी लाइफ स्टोरी है। क्या हो गया वहां पे? तो इट्स पढ़ने लग गए हैं, स्टार्टअप वाले पढ़ने लग गए हैं, बट आई थिंक इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए माल है ना वो सबसे ज्यादा है, बिकॉज देर आर चैप्टर्स विच यू कैन रिलेट टू एंड देन देर चैप्टर्स आपको पता लगेगा कि यार चलो ये आगे हो सकते हैं हमारी लाइफ में। अगर इसने यहाँ पे लाइफ शुरू करी और इसकी लाइफ यहाँ पहुंच गई तो देर इज अ क्लियर पाथ कि हम भी पहुंच सकते हैं। सो दैट्स व्हाट इज इन द बुक। बट मैं तुमको और क्यों बताऊं, मतलब 350 रुपये खर्च लो वो सारे सबसे ज्यादा बोलते हैं स्टूडेंट्स हैं, इससे बड़ी महंगी बुक है। 350 रुपये मेरे को एक बार बताओ, 500 रुपये के पिज्जा खाते तुम्हारी नानी नहीं मरती। एक किताब जिससे सारे तुम पिज्जा चेन जो ऑनर हो सकते हो उसको नहीं खरीदना तुमको। Good evening, sir. My name is Sujata, and thank you for coming here. Session बहुत अच्छा था. मेरा question ये है कि जैसे अब जो business landscape जैसे evolve कर रहा है, so how do you see the role of people with non-business background coming in and उनको क्या करना चाहिए कि वो contribute कर पाए to the success of the company? Non-business people contributing to business. Just a little context, जैसे आपने कहा कि अभी web पे बहुत available है, you can learn. So because of this evolving landscape, how do you see the merging of these fields? Actually, तुम पढ़ना समझो, business करने के लिए पढ़ाई की कोई जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में majorly business करते बनी है। यहाँ पे इंजीनियरिंग करने आया है, ठीक है, तो वो अपने बाप से 4 साल लेके आया है कि भाई मेरे को 4 साल और मस्ती करने तो मैं बैठ जाऊंगा धंधे पे। तो मेरे को नहीं लगता है बिजनेस करने के लिए आपको कुछ पढ़ाई चाहिए होती है। बिजनेस करने के लिए आपको अनसर्टिनिटी हैंडल करनी आनी चाहिए। फ्रंट बेंचर वाला ना वो जो बैक बेंचर है ना, मतलब वही फ्रंट बेंचर पर नौकरी दे रहे होते हैं इनका सुनिए।
तो सर आपने अपने लाइक पूरे करियर या मतलब बिजनेस जर्नी में आपने बहुत सारे बिजनेसेस देखे होंगे, धंधे देखे होंगे, तो उनमें आपको ऐसा कोई बिजनेस या कोई कंपनी जो आपको लगी हो कि अगर इसका मैं सीईओ होता या फिर मैंने ये फाउंड किया होता तो आज ये कहीं और ही होता, या कोई आइडिया ऐसा कुछ जो आपने सोचा? तो मेरे को हर कंपनी के बारे में नहीं स्पेसिफिक मतलब एक जो आपके दिमाग में हमेशा आती है कि हाँ ये वाली तो मतलब फोड़ता ही मैं इतना भी लगे से क्या बंद हो गया तेरे अब कोई और होता ना मैं रो देता इसे रोना कैसा रो देते लोग मतलब रोस्टिंग करवानी सही था कि अगर संबंध नहीं सोचता मैंने क्या सर चूज करना सबसे क्रिटिकल चीज है क्योंकि एंड ऑफ द डे लड़ाई तुम्हें होने वाली है सबसे पहले नहीं जनरली बता रहा हूँ बिकॉज बिजनेस ऐसा नहीं होता कि एक्सेल की तरह कि ऊपर 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 जाएगा हजार चीजें पड़ेंगी हजार चीजें तुमसे फिगर आउट नहीं होंगी मेरे को लगता है दो बेसिक कंडीशन है को फाउंडर चूज करने में एक तो उसकी स्किल और तुम्हारी स्किल सेम नहीं हो सकती तो एक अगर कोई शरीफ सा कोडर बच्चा है तो उसका को फाउंडर खराब ही होना चाहिए सेलिंग में तो लोग किसी को कुछ भी बेच दें तो वो कॉम्प्लीमेंटारिटी ऑफ स्किल बहुत शरीफ तो नहीं बट स्टिल ठीक है अगर तुम दोनों सेम चीज ही कर रहे हो और तुम्हारे सामने एक प्रॉब्लम आएगी जिसमें तुम दोनों की स्किल नहीं लग रही तो तुम एक दूसरे के बाल फूट रहे हो कुछ नहीं होगा दी अदर थिंग इज यू हैव टू सी कि यार ये बंदा मेरे को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है और मैं इसको रिस्पेक्ट करता हूँ नहीं करता क्योंकि अभी क्या है जीरो पैसे हैं स्टार्ट कर रहे हो यू नो झगड़ा हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंटैरिटी होनी चाहिए और रिस्पेक्ट होनी चाहिए ये दो चीजें चाहिए हेलो सर सर फ्रीलांसिंग से आई बीन अर्निंग अ लिटिल बिट बिजनेस का कॉन्फिडेंस है बट बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप क्या है एंड द सेकंड क्वेश्चन सर पॉडकास्ट पे आने का ख्याल हो गया सर सर मैं आपको जाना है आपसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी कैसी थी
और वो जो आपने सीखा इंडस्ट्री मैंगल में वो आपने भारत में भी मतलब इम्प्लीमेंट कैसे किया? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लीज सुन अरे माइक पे बात नहीं लड़ना प्लीज बात नहीं तो यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जर्नी इनफैक्ट जितनी भी जर्नी रही है सब मेरे लिए तो यूजफुल ही थी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है कि आप अलग अलग सेक्टर देख लेते हो और आपको ये समझ आ रहा था कि बिजनेस की वैल्यू बनती किस चीज़ से, कि वो क्लैरिटी आ जाती है। आई थिंक मेरे लिए तो वही काम आया। बाकी मैं 10 बार ही बोल चुका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दलाली का धंधा है, कंपनी खरीदनी बेचनी है या किसी के पैसे उठवाने हैं, दैट्स व्हाट इट इज। वो एक टाइम पे बहुत सेक्सी बना दिया था फरहान अख्तर ने रॉक ऑन मूवी को, बट ऐसा कुछ है नहीं। क्या काम मिलवाने जो बना रहे हैं वो है क्या, कोई किसी बंदे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं क्लियर बता रहा हूँ, हर बंदा अपने लिए काम कर रहा है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम बहुत स्टार्ट हो और तुमने किसी को बोल दिया तो वो काम कर रहा है तो तुम्हारे में स्किल है, यू आर सैडली मिस्टेकन। अगर तुम स्टार्ट हो तो तुम चीज पे ऐसे काम कर रहे हो जिसमें उसको भी काम करके फायदा है फंडामेंटली, एंड इसलिए कोई बंदा काम करता है। तो आई थिंक लोगों को उनका फायदा दिखाना बहुत जरूरी है टू गेट द वर्क आउट। सर मैं जानना चाहूंगा ऐसा कोई बेसिकली स्टार्टअप आपको जो पहले कभी पिच हुआ हो और आपने उस समय इन्वेस्ट कर दिया हो पर वो आगे आपको आदमी उसकी ग्रोथ दिखी और आपको बाद में रियलाइज हो कि अगर मैं कर देता तो शायद मैं इससे पैसे कमा पाता। पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं यार, ऐसा तो अभी तक कोई नया नहीं। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हमारे पास कोई आइडिया है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में देख के कि हाँ मुझे डेली लाइफ में दिखता है कि ये प्रोडक्ट काम आ सकता है लोगों के और मस्त बिक सकता है, तो उस चीज के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना है कि वो एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सके, मतलब व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप वी शुड टेक आफ्टर गेटिंग एन आइडिया। एग्जीक्यूट करना है सर, मतलब एग्जीक्यूशन में टीम प्लानिंग या फिर ये देखेंगे क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। ये एमबीए वाले क्वेश्चन नहीं सर, सवालों के जवाब नहीं देता हूँ तो भैया एग्जीक्यूशन। अरे भाई देखो अब आखिरी 5 सवाल है, अब जो जिसको लड़ना है लड़ लो। माधव लेट्स डू वन थिंग, हर एक साइड से एक एक लेता था ठीक है, लकी वंस विल गेट द चांस। सर माय क्वेश्चन इज कि डू यू थिंक जो इंडियन मीडिया है वो बिजनेसेस को थोड़ा गलत रिपोर्ट नहीं करता है, जैसे आपके केस में भी भारत के स्टेटमेंट्स को चौथ थे, आपके स्टेटमेंट्स को चौथ थे और मीडिया आपके बहुत मतलब नेगेटिव वे में दिखाया। ये मेरे हाँ ये बहुत इसने बेस्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको भी काम लगेगा।
किताब में एक जगह लास्ट पेज में एक बहुत ही पावरफुल चीज लिखी है, ठीक है, आपको छह टाइप के लोगों से दूर रहना है, प्रोस्टिट्यूट्स, लोग डिसपॉइंट हो रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, पिम्प्स, दल्ले, ड्रग पेडलर्स, जर्नलिस्ट, लॉयर, बैंकर, और ये प्रेस वाले ना, ये इनको प्रेस्टिट्यूट्स बोलते हैं, प्रेस्टिट्यूट्स, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। सर आपको क्या लगता है फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है इंडिया में बिजनेस करने के लिए? हाँ बिल्कुल जरूरी है। तो सर कितने लेवल तक, मतलब कोई 2000 की जगह 500 में नोट ना पकड़ा दे। चलो आखिरी दो क्वेश्चन, आखिरी दो। अरे भाई यहाँ से नहीं कर रहे, माइक वाला बड़ा हुआ है। भाई सीट पे रहोगे तो माइक मिल जाएगा, कूद के आओगे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर मेरा क्वेश्चन है, किसी भी स्टार्टअप के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्रैक करना कैसे होता है? इनिशियल स्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कैसे क्रैक करना, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ज्यादा पैसे होना चाहिए ना तुम्हारे प्रोडक्ट में। हम पहले मार्केट अपना कॉस्ट में, तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्वेश्चन जी मैं बोर हो रहा हूँ।